जो बिजली एक यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। ये दो वीडियो काफी है आपको बताने के लिए कि यूपी में क्या होगा। पहला वीडियो आपने देखा जो मैंने कहा था आपको कि बीजेपी 20,000 वोटों से आगे है हर विधानसभा में, उसके बाद भी क्या बीजेपी हार जाएगी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पोस्टल बैलेट 5,000 से ज़्यादा वोटों का इंतजाम किया जा रहा है। पहले फेज से पहले ही एक शख्स आ गया था सामने जिसका वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने कहा था कि किस तरह से वो अपंग है और उनका वोट जो है वो गिरा दिया गया है। मैंने कहा था कि 5,000 तो पोस्टल बैलेट से वोट का इंतजाम किया है बीजेपी ने, उसके बाद 5,000 से 10,000 लोगों के नाम कटवा दिए गए हैं। दूसरे फेज में ये भी खुलासा हो गया, सबके सामने आ गया। ये देखिए, ये बरेली की तस्वीर है, वीडियो है। सबके हाथ में वोटर आई कार्ड है और ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं और किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जब ये लोग वोट गिराने गए, यह बरेली है, लोगों के पास आधार कार्ड भी है और सारे प्रमाण भी, पर जब वोट डालने पहुँचे तो पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है इस बार योगी जी के लिए। संजय शर्मा ने ये ट्वीट किया है और ये देखिए सुरप्रताप सिंह क्या लिखते हैं, ये क्या है चुनाव आयोग, मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नाम कैसे कट गया, क्या मताधिकार से वंचित रखना लोकतंत्र की नई मियाद है। तो एक तो ये वीडियो देखा, दूसरा जो आपने मोन्टाज में वीडियो देखा था ये है तीसरे चरण में जनता क्या कर रही है वो देखिए। ये कानपुर की रैली है, कानपुर देहात की, और योगी जी मंच पर बैठे हुए और खाली कुर्सियां देख लीजिए, चारों तरफ लाल लाल खाली कुर्सियां दिख रही है। लेकिन इसके बाद भी अगर बीजेपी आती है तो इसकी वजह है उसकी पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी। तो इन दोनों वीडियो पर बात करेंगे, कुछ और तीसरे फेज के चुनाव की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात योगी के सबसे बड़े बेईमानी की, चुनाव आयोग के साथ मिलकर सबसे बड़े बेईमानी की। ये बरेली का वीडियो है जिसमें दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनका चुनाव वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, और ज़्यादातर वोटर है जो गैर बीजेपी समर्थक है। मैंने आपको लगातार आगाह किया था कि चार तरीके बीजेपी ने अपनाए हैं। पहला तरीका है उनका कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए उन लोगों का जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। दूसरा तरीका है उनका कि किसी भी कीमत पर जो पोस्टल बैलेट है, जो अपंगों का वोटर है, वो अपने नाम करवा लिया जाए 5,000 कम से कम। तीसरा तरीका है उनका कि वोट के दिन जो उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए हैं वो कम से कम 5,000 वोटों का इंतजाम कर दे और दूसरे का ठप्पा लगवा दे। और चौथा तरीका उनका जो 5% वोट है जो टीवी अखबार के जरिए स्वाइप होता है उसको अपने तरफ स्वाइप कर लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो इसका मतलब है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी बहुजनों ने एक साथ वोट किया है, चाहे वो सपा को करे या बसपा को करे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किस तरह से नाराजगी है वो देखिए। ये तस्वीर है कानपुर देहात की, योगी जी की रैली होने वाली है और कुर्सियाँ देखिए कैसे कैमरामैन पैन करके दिखा रहा है। योगी जी स्टेज पर बैठे हुए हैं और एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। तो ये लाल कुर्सियाँ देखिए, इसलिए मैंने आपको मोन्टाज में दो वीडियो दिखाया था। एक वीडियो है जिसमें लोगों के नाम काट दिए गए हैं, दूसरा वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री और योगी की रैली में लोग जुट ही नहीं रहे हैं। तो ये CM कानपुर की रैली है जिसमें मुश्किल से 500 से 1,000 लोग जमा हुए हैं। इसके बाद भी अगर बीजेपी जीतती है तो इसका सारा का सारा क्रेडिट दो लोगों को दीजिएगा, एक तो चुनाव आयोग और दूसरा इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया। तो सोचिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो बेईमानी चल रही है और किस तरह से खबरें हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम जो है वो एकदम सवाब पर है और अब मध्य प्रदेश ने इसका जिम्मा निकाला है और मंडिया में लगातार स्कूल के बाहर हिजाब वाले को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ कैमरामैन बुला लिया गया है, उसकी भी शूटिंग चल रही है। और तीसरी ये खबर देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे BSP के लोग जो हैं वो अपना दुकान भी चला रहे हैं और पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी को अपना
समर्थक तक नहीं मिल रहा है। वही एक और खबर देखिए बिहार से है। बिहार में सीता माता की 212 मीटर की जहां मूर्ति लगनी है, वहां ये सीतामढ़ी में 251 मीटर बड़ी मूर्ति लगेगी और वहां सरकारी अस्पताल की ये हालत है। स्क्रीनशॉट देखिए तो आप समझ सकते हैं कि देश को कैसे कर्मकांड में, अंधविश्वास में धकेला जा रहा है और ये सब कुछ आपके वोट परिणाम पर हो रहा है। और आपको पता है योगी आदित्यनाथ जिनकी रैलियों में कुर्सियां खाली है, वो अब तक 24 बार थाईलैंड की यात्रा कर चुके हैं, गुप्त यात्रा, और किसी को नहीं बताई। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईपी सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा जो हैं वो 24 बार यात्रा कर चुके हैं थाईलैंड का। क्यों किए हैं तो बाबा ही जवाब देंगे। और जाते जाते लोकतंत्र की एक ताकत भरी वीडियो देख लीजिए जिसमें एक शख्स जो है वो किस तरह से मुनादी कर रहा है और ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हौसला ही लोकतंत्र की ताकत है। इधर देखो न उधर देखो, 2022 में छड्डू का देखो। इनका नाम है छट्टू चमार। 2022 में कैंडिडेट हैं और ये अपना प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरफ डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खतरे में डाल दी है। चाहे वो बीजेपी के साथ सीधे गठबंधन में ना हो लेकिन परोक्ष रूप से गठबंधन में है और बीजेपी नेताओं को खुली छूट है, आप कुछ भी कीजिए। उत्तराखंड में लगातार पूरे उत्तराखंड से खबर आ रही है कि बीती रात जमकर पैसे बांटे गए हैं और शराब बांटी गई है। विनोद कापरी ने इसको ट्वीट किया है, ये खबर देखिए किस तरह से, ये पूरी खबर पढ़ के बता रहा हूँ मैं। तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट के बल पर चुनाव नहीं जीतती है, उसका जो मैनेजमेंट स्किल है वो उसको चुनाव जिताता है। और एक खबर देखिए, उत्तराखंड में मोंग पंडी की स्ट्रीट और तमाम वीडियो, स्पोक्स पर्सन आरोप है कि राज्य के कई जिलों में मतदान से पहले ही रात भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने जमकर शराब और पैसे बांटे। ये देखिए, ऐसी कोई विधानसभा नहीं रही होगी जहां पूरे उत्तराखंड में जहां कल रात बीजेपी वालों ने जमकर दारू पैसे नहीं बांटे चुनाव जीतने के लिए और इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बनकर सब तमाशा देख रहा था चुपचाप। कल भी टैग की थी लेकिन इन्होंने कोई, ये देखिए ये इन्होंने लगातार, ये देखिए ये वीडियो इन्होंने शेयर किया है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन उन्होंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं जिसका स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं किस तरह से ये गाड़ियां चल रही है। देखिए केदारनाथ से भाजपा प्रत्याशी शैला रानी रावत भी तो दारू बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। रात भर नरेंद्र नगर विधानसभा चौबट्टा खाल और ये देखिए रुद्रपुर में, तो रुद्रपुर का ये देखिए, तो तमाम जगहों पर भाजपा के टिहरी, ये इन्होंने जो पदोही मोंक है इन्होंने तमाम स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। और ये देखिए किस तरह से भाजपा साम दाम दंड भेद सब करके चुनाव जीतने की कोशिश में लगी है। तो दो वीडियो से साफ है, एक तरफ जनता उनकी रैली में नहीं आ रही है लेकिन बेईमानी करने की एक से एक तरकीब। तो चुनाव आयोग और मीडिया के दम पर अगर बीजेपी जीतती है यूपी का चुनाव तो साफ है कि वो बीजेपी मीडिया के दम पर चुनाव जीतने जा रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या लगता है आप लोगों को कि जो विपक्षी दल है, चाहे वो मायावती हो अखिलेश हो, वो सब सो रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की तैयारी नहीं है? और क्या सिस्टम के ताकत पर चुनाव आयोग की मदद से पुलिसिया हनक से, सोचिए 20 से 22 डीएम ठाकुर हैं, उसके आधा 20 से 22 और सवर्ण समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के थाना से लेकर और एसपी डीएम कलेक्टर सबको मन मुताबिक भर्ती किया गया है और उसके बाद मुसलमानों के वोटर आई कार्ड हैं, उसके बाद नाम काटे गए हैं, पिछड़ों के नाम काटे गए हैं, दलितों के नाम काटे गए हैं, बैलेट पोस्टल बैलेट में बेईमानी की खबरें आ रही है, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनके वोट पहले गिरा लिए जा रहे हैं, बूथ पर वोट गिरा लिए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा खुलासा है कि जहाँ जहाँ गैर बीजेपी वोटर हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ईवीएम खराब हो रहे हैं। तो बीजेपी चुनाव जीतने की जो चाणक्य नीति जिसको कहते हैं, इसी को मैं गुजरात मॉडल कहता हूँ। क्या यूपी में गुजरात मॉडल फेल होगा या जनता इतना ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी कि फिर भी बीजेपी हार जाएगी? क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है, बीजेपी आएगी या बीजेपी जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मैं तो लगातार आपको अपडेट कर रहा हूँ। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।